हाँ जी बच्चों, वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। बच्चों आप लोग इतने ही हो या आज कम आए हो क्लास में? ओके चलो कोई बात नहीं, आ जाएंगे बाकी लोग। मुझे लग रहा है कहीं 1% कन्फ्यूजन ना हो, वो दूसरी क्लास मतलब दूसरी आईडी पे ना ज्वाइन कर रहे हो, गौरव सर वाली आईडी पे। ठीक है। एनीवेज बच्चों, एक तो बच्चों ये है कि हमने ना इस क्लास को ऐसे चुप चुप सी वाली क्लास नहीं होनी चाहिए। आपको प्लीज, यू आर फ्री, ओपनली अनम्यूट करके जब जो पूछना है पूछते जाओ, जब जो बात करनी है करते रहो, ठीक है? मतलब आपको, मतलब मेरे से पूछने की जरूरत नहीं है, खुल के अनम्यूट करके आप मतलब यूज करो। चलो एक बार चेक कर लेते हैं सबके माइक चलते हैं कि नहीं। हर कोई एक बार अनम्यूट करके मुझे गुड आफ्टरनून बोलो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। सर। गुड आफ्टरनून सर। ठीक है जी, वेरी गुड आफ्टरनून एंड गुड। मतलब प्लीज है ना, बात करते रहना, नहीं तो ऐसे लगता है कि वन वे सी क्लास है। ठीक है। आप मुझे ये बताओ कि आप में से कितने लोग मतलब मेड के हो, हैंड रेस कर दो। ठीक है जी, ठीक है। ओके बच्चों, बिफोर वी बिगिन, मतलब आई एम नितेश, आई एम वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ आईक्वेस्ट, और मैं मतलब शुरू से मतलब पिछले 10-11 साल से मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ मेडिकल बैचेस में, तो मतलब एज वेल एज नॉन मेडिकल ऑफ कोर्स। तो बच्चों एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं चाहता हूं आप सबसे, कि देखो हमने ड्रॉप किया है नो डाउट, बट अब ना आप उस मोड से निकल जाओ कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, हम में से बहुत लोग इस थॉट प्रोसेस में रहते हैं कि यार मैं तब ऐसा कर लेता तो ये हो जाता, बस इतना सा कुछ हो गया, ठीक है, सिली मिस्टेक्स हो गई, बस ये रह गया, जो हुआ ठीक है, कोई चक्कर नहीं ना। अब उसको कंप्लीटली भूल जाओ, जो भी अपना एग्जाम हुआ जैसे भी हुआ, ठीक है, नाउ इट इज अ फ्रेश स्टार्ट। ये एक नई रेस है जिसमें हम रन कर रहे हैं, इसमें हम पिछली रेस में हमारे साथ क्या हुआ था उसका कोई रोल नहीं है, राइट? नए कॉम्पिटिटर्स हैं, स्टिल अनसर्टेनिटीज हैं, जैसे लास्ट ईयर आपके साथ हुआ था, इस साल भी अभी अपने को नहीं पता। हाँ मतलब ऑब्वियसली इतना सर्टन है कि जितना लास्ट ईयर डिले हुआ था उतना कुछ तो नहीं होगा,
है ना, मतलब थोड़ा बहुत हो सकता है कि कुछ चेंजेस हो, जैसे जैसे आई थिंक नॉन मेड वालों के लिए कि आपका जनवरी में तो जेई मेंस होना मुश्किल है, व्हाट आई फील, अगर अभी तक उसकी कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो लुक्स वेरी अनलाइकली कि जनवरी में ही वो एग्जाम ले लेंगे. सिमिलरली पहले बात थी कि नीट का एग्जाम भी दो बार होगा, फेब में और मई में. इस साल तो नहीं लग रहा कि फेब में हो सकता है बाय एनी चांस. देन देर आर चांसेस कि मे बी बोर्ड एग्जाम्स भी डिले हो जाएं, तो हो सकता है कि उसके करेस्पॉन्डिंग आपके वाले एग्जाम्स भी थोड़े से पोस्टपोन हो. तो विच इज इन अ वे गुड फॉर यू ऑल्सो, क्योंकि नहीं तो उतने से टाइम में तो आप एनी वेज प्रिपरेशन ही ना कर पाते पूरी. ठीक है, तो अब बस हमारे लिए फ्रेश स्टार्ट है और इसमें अब पूरा जोर लगा देना. ठीक है, मतलब बस इस बार ये सोच लेना है हमने कि हम बस अगली बार ये कह पाए पक्का कि यार बस मतलब जो कर सकते थे कर दिया, मतलब इससे ज्यादा एफर्ट लगाना पॉसिबल नहीं था, तो अब तो जो रिजल्ट आया है तो ठीक है बस. ठीक है, तो बस अब इस साल हम रिलैक्स नहीं हो सकते बिल्कुल 100% पूरा जोर लगा के करना है काम हमें. ठीक है बच्चों, अगली बात, सी आई विल बी टेकिंग अप, मतलब ऑफ कोर्स आई टीच यू फिजिक्स, बट मैं आपको एक बात दोबारा रीएम्फेसाइज करना चाहता हूं, मेडिकल स्टूडेंट्स अगर आप सोचते हो कि आपको सिलेक्ट होना है इन गवर्नमेंट एमबीबीएस, ठीक है, दैट मींस कि आपके बायो और केमिस्ट्री में मिलाकर, ठीक है, मैं बात कर रहा हूं बिल्कुल मतलब बेयर मिनिमम, ठीक है, ऑब्वियसली उससे ज्यादा लोगे तो आप बहुत अच्छी बात है, तो आपके बायो और केमिस्ट्री मिलाकर ही 450 मार्क्स होने चाहिए. ठीक है, और आपके करीब मतलब मैं 450 भी एक्चुअली पुराने के हिसाब से कह रहा हूं कि जैसे अगर इस साल का पेपर आया है जो बिल्कुल आसान था, तो उसके हिसाब से तो आपके बायो और केमिस्ट्री मिलाकर मतलब और ज्यादा ही आने चाहिए, 470 480 आने चाहिए. ठीक है, और फिजिक्स में जो हमारा स्कोर लाई करना चाहिए वो लाई करना चाहिए कि अगर तो पेपर बिल्कुल इजी है जैसे इस बार आया था, तो हमारा स्कोर एटलीस्ट 120 130 होना चाहिए. अगर मॉडरेट है जैसे पहले आता था, तो हमारा स्कोर 100 110 के बीच में होना चाहिए. ठीक है, तो मेडिकल वाले बच्चों आपके लिए तो ये फंडामेंटल रूल है कि भाई इसके बिना गुजारा नहीं है. ठीक है, इससे कम स्कोर पे मतलब, और सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी बायो और केमिस्ट्री होनी चाहिए, एंड उसमें भी आपको पता है कि एनसीईआरटी करनी है आपको, है ना. आप अभी से बच्चों ये टारगेट लेके चलो कि आपको बायो और केमिस्ट्री की, मतलब जब तक आपका एग्जाम होता है, ऐसे मान के चलो कि आपको 10 बार एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है. तब 10 से ज्यादा पढ़ लो और अच्छी बात है, बट कम से कम 10 बार तो उसकी एनसीईआरटी पढ़ी ही होनी चाहिए. ठीक है, तो मतलब जो भी चल रहा है जैसे भी चल रहा है, ठीक है, एनसीईआरटी पे से तो आपका फोकस हिलना ही नहीं चाहिए. चाहे बच्चों पेपर जैसा भी आए, इतने सालों में ये तो पक्का है कि कभी भी एनसीईआरटी के बिना तो काम नहीं चला. आई एम वेरी श्योर आपको ये पता भी है, बट वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि उसको रीएम्फेसाइज करने में भी कोई बुराई नहीं है. तो भाई एनसीईआरटी तो आपने छोड़नी ही नहीं है, जितनी मर्जी बार कर लो कम है वो. एंड बच्चों अब जब आपके टेस्ट शुरू भी होंगे ना, तो टेस्ट में भी आपका जो टारगेट होना चाहिए
वो ये होना चाहिए कि मतलब जो मैंने पहले बोला है कि सबसे पहले आप बायो और केमिस्ट्री वाला टारगेट अचीव करो, फिर फिजिक्स के बारे में सोचना. क्योंकि एक बहुत सीधी बात बच्चों ये है कि अगर आपके बायो और केमिस्ट्री में ही ये 450 नंबर नहीं आए, ठीक है, तो लेट्स बी फ्रैंक, सिलेक्शन ही नहीं होगी हमारी. तो आप फिजिक्स में आप जो मर्जी कर लो. तो फर्स्ट टारगेट इज टू गेट दिस मच मार्क्स इन बायो एंड केमिस्ट्री. ठीक है, उसमें आपको कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है, प्लीज टेल मी, प्लीज शेयर विद मी, देखेंगे उसका क्या करना है. बट दिस इज योर फर्स्ट टारगेट. नॉन मेड स्टूडेंट्स, आपको भी जो आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए दैट इज केमिस्ट्री. ठीक है, बिकॉज केमिस्ट्री तो सबसे ज्यादा स्कोरिंग रहेगी ही रहेगी. और केमिस्ट्री के पेपर में कभी भी अगर हम जेई मेंस की बात करें तो ऐसा नहीं हुआ कि कोई बहुत ज्यादा वेरिएशंस हुई हैं. एक हमेशा नॉर्मल लेवल पेपर ही आया है जेई मेंस का. फिजिक्स में तो फिर भी ऐसा हुआ है कि कई साल बहुत टफ आई हुई है, कई साल मतलब बहुत इजी तो कभी नहीं आई, मॉडरेट आई हुई है. बट केमिस्ट्री तो हमेशा ही स्कोरिंग रही है. ठीक है, तो आपने भी हमेशा ये टारगेट रखना है कि आपका तीनों सब्जेक्ट्स में से हाईएस्ट स्कोर हमेशा ही केमिस्ट्री में आना चाहिए. ठीक है, मैथ्स फिजिक्स आपके लिए पैरेलल चलने चाहिए, कोई उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा. ठीक है, बट केमिस्ट्री का स्कोर आपका मैथ्स फिजिक्स से कंसिडरेबली ज्यादा होना चाहिए. बच्चों, आपके बैच की ही एक स्टूडेंट थी अभी हमारे पास 12th में, मे बी सम ऑफ यू नो हर ऑल्सो, बिस्मन. ठीक है, उसका जेई मेंस में जो स्कोर था, मुझे एग्जैक्ट स्कोर तो नहीं याद, जो उसका जनवरी अटेम्प्ट था उसमें उसका मतलब जो केमिस्ट्री का स्कोर था वो मैथ्स और फिजिक्स का दोनों को मिला के जो स्कोर था उससे भी ज्यादा था. ठीक है, तो मतलब उसको ये समझाया गया था कि केमिस्ट्री पे ही फोकस दो और वो उसने वैसा किया. एंड आप सोचो, मतलब अगर हम रफली आइडिया लगाएं कि अगर ऐसा है तो यही हो सकता है बेस्ट केस सिनेरियो कि केमिस्ट्री में उसके 100 में से हम मान लें कि 90 होंगे, है ना, और मैथ्स फिजिक्स में 40-50 टाइप्स मान के उसमें भी इतने ही मान लेते हैं, तो 180 से 200 के बीच में ही होगा उसका स्कोर, है ना. तो बिल्कुल कोई थोड़ी बहुत वेरिएशन हो तो मुझे याद नहीं, बट था तो इसी रेंज में. तो उसकी अब रैंक ऑल इंडिया रैंक मतलब बहुत ही अच्छी है ये. मतलब उसको आईआईटीज के बाद तो नियरली कोई भी कॉलेज उसकी चॉइस का मिल जाएगा. तो केमिस्ट्री करना बच्चों बहुत आसान है. ठीक है, इन द सेंस कि भाई उसमें पता है कि सीधा सीधा जो आप पढ़ोगे उस पे बेस्ड क्वेश्चन आ ही हो ही जाएगा आपका. मतलब केमिस्ट्री में ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि बस वो बात पढ़ी हो और याद हो. मैथ्स फिजिक्स में बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आपने जो किया भी हुआ है उसके बाद स्टिल उसका क्वेश्चन आपसे ना हो, है ना. एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ यू नो दिस, करेक्ट. तो प्लीज ये सोच के स्टार्ट करो. ठीक है, इसमें कोई मतलब चेंज नहीं होना. एंड दूसरी बात बच्चों, आपने ना अपने आसपास वाले लोगों को देख के डिविएट नहीं होना. कि बहुत बार ऐसा हो जाता है कि ना ड्रॉप ईयर में हम स्टार्ट तो करते हैं सही, फिर आफ्टर 1 मंथ आफ्टर 2 मंथ हम थोड़ा सा भटकना शुरू हो जाते हैं. हमें ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि यार ये चैप्टर तो हमें आता ही है, इसकी क्लास लगाने की जरूरत नहीं है. ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ठीक है, इसकी क्लास लगाने की जरूरत नहीं है, हम इसका सीधा टेस्ट दे देते हैं. ठीक है,
आप बच्चों एक बात समझो, अगर मैं आपसे सिंपल एक सीधा फ्रैंक क्वेश्चन पूछूं, मान लो एक बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा है, ठीक है, वो कोई कोचिंग वगैरह कुछ नहीं ले रहा, क्या वो सिलेक्ट हो सकता है नीट और मेंस में? आप बताओ. है ना, बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है, ठीक है. बट प्रॉब्लम क्या आती है कि उसके लिए यू हैव टू बी वेरी वेरी सिंसियर, राइट, कि मतलब कि आप हर वीक के अपने जो टारगेट्स बनाओ उसको पूरा उस तरीके से मीट कर पाओ, ठीक है. तो अगर कोई खुद से वैसा कर सकता है, बिल्कुल हो सकता है सिलेक्ट, कोई दिक्कत ही नहीं है. तो बच्चों आपको क्लासेस लगाने का ना 50% जो बेनिफिट है वो तो यही है कि आपकी रेगुलरिटी बनी रहती है, कि आपको जो चैप्टर कराया जा रहा है उसका आपको होमवर्क करने को बोला जाएगा, उसका टेस्ट होगा, तो बहाने से आप उसका वो काम करते रहते हो. मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि आप वो खुद से नहीं कर सकते, बट फॉर मोस्ट ऑफ द केसेस, ये मतलब बच्चों हर किसी की मतलब एक नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी होती है, राइट, कि जब हमारे को ऊपर से कोई प्रेशर ना हो तो हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलैक्स होना शुरू हो जाते हैं, कि हम कहते हैं चल यार कोई बात नहीं, दो नहीं तो एक हो गया, कोई बात नहीं, चल ये चैप्टर अभी नहीं बाद में कर लेंगे, राइट. तो उन सब चीजों से बचने के लिए ही आप क्लासेस लगा रहे हो, आप ये सोचो, ठीक है. तो इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आप उसमें रेगुलरिटी रखो, आपने वो क्लासेस मिस नहीं करनी चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है. अगर कभी आपको लगता भी है, प्लीज डिस्कस विद मी, आपने मेरे से डिस्कस किए बिना क्लासेस नहीं मिस करनी बच्चों, क्योंकि वो सबसे बुरा हो जाता है, ठीक है. तो आई वॉन्ट दिस वन प्रॉमिस फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि ये तो मान के चलो कि क्लास लगानी ही लगानी है, राइट. बोलो बच्चों कुछ, यस नो करोगे सारे? दो लोगों का यस आया अभी तक मेरे पास, तीन. ठीक है, ओके, ग्रेट. और एक बच्चों बहुत बार हमारी टेंडेंसी ये होती है कि टेस्ट की तैयारी नहीं हुई तो इसलिए वो टेस्ट मिस कर देते हैं, है ना. होमवर्क नहीं किया, सर ने तो बोला था इस क्लास में करके लाने, तो चलो वो क्लास मिस कर देते हैं. तो बच्चों इसका मतलब ये नहीं है कि भाई टेस्ट की तैयारी नहीं है तो टेस्ट मिस कर दो, इसका मतलब ये है कि टेस्ट की तैयारी पहले से रखनी है हमें, राइट. आप जब एक्चुअल एग्जाम होगा तो भी तो वो दोगे ना, मतलब तब आप ये थोड़ी सोच लोगे कि तैयारी नहीं है तो उसको मिस कर देते हैं, वही बात. अब तो मैं बच्चों ये बात आपको इसलिए कह रहा हूं कि मतलब अगर हम ये मतलब शुरू में ये थोड़ी सी सिंसियरिटी मेंटेन करेंगे ना, मैं आपको मतलब गारंटी कर सकता हूं कि रिजल्ट आते हैं, ठीक है. प्रॉब्लम तब आती है जब हम कहीं ना कहीं इन बिटवीन थोड़ा सा मतलब ढील देनी शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे वो क्लासेस मिस होनी शुरू होती हैं, फिर टेस्ट मिस होते हैं. और आपको भी पता है कि अपना सिलेबस इतना ज्यादा होता है कि उसके अंदर दोबारा सारा कुछ ट्रैक पे लाने में बहुत टाइम लग जाता है. अच्छा बच्चों आपको एक, अब ये तो बताइए कि आपके लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट एक ये हो गया है कि अब जो आपको एग्जाम देना है वो विद नियरली 70% ऑफ सिलेबस ही देना है ना. अब नो डाउट अभी तक वो ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं हुआ है, बट सर्टनली होगा ही, देयर इज नो अदर वे, है ना. तो आपने तो अब अपना सारा टाइम वो जो चैप्टर्स करे हुए हैं जो सिलेबस में हैं उन्हीं पे ही लगाना है.
राइट। तो अच्छा बच्चों, अब आपका फिजिक्स में क्या चल रहा है, सर क्या करवा रहे हैं? ओके, आपके 11th के बेसिकली फर्स्ट टू चैप्टर्स हो गए हैं, यूनिट्स एंड मोशन इन 1D, राइट? ठीक है, बच्चों मैं स्टार्ट करूंगा विद ऑलमोस्ट द एंड ऑफ क्लास 12th, ठीक है, दैट इज मॉडर्न फिजिक्स। आई एम स्टार्टिंग विद दिस चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स बिकॉज ये बच्चों वो चैप्टर है आपका, मतलब जिसमें आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर आ गया, बिकॉज ये एक सिंगल यूनिट से मेडिकल एज वेल एज नहीं, वो उसका मॉड्यूल आपको दूसरे वाला मिल जाएगा, हाँ ऑप्टिक्स उसके बाद होगा। मॉडर्न फिजिक्स का बच्चों सिग्निफिकेंस ये है कि वो जो सिंगल चैप्टर है उसमें से आपके मेडिकल एज वेल एज नॉन मेडिकल एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस तो आने ही आने हैं, ठीक है? तो मॉडर्न के बाद बच्चों हम सेमीकंडक्टर करेंगे, उसमें से भी पक्का 1 से 2 क्वेश्चंस आते ही आते हैं, राइट? एंड जो आपका मॉडर्न वाला पार्ट है बच्चों, ये आपको पता है कि आपका केमिस्ट्री में भी है, राइट? तो एटॉमिक स्ट्रक्चर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सारे का सारा एज इट इज आपका केमिस्ट्री में भी है ना? तो मैं ये चाहता हूं कि हम उसको अच्छे से पहले पूरा जो मतलब इससे आपको डबल फायदा हो गया, आपके केमिस्ट्री में भी मार्क्स आ गए, ठीक है? तो मैं इस तरीके से आपके चैप्टर्स चूज करके आपको करवाऊंगा जिन चैप्टर्स की सबसे ज्यादा वेटेज है, ठीक है? तो मैं चाहता हूं कि उनको हम पूरा अच्छे से कर लें शुरू में ही, ताकि हमारे मतलब ऑब्वियसली मार्क्स में उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगी। एंड बच्चों मैं शुरू से ये भी करूंगा एक चीज कि जो आपके टेस्ट्स होंगे, ठीक है, तो जैसे मान लो हमने मॉडर्न फिजिक्स किया, तो जो आपके टेस्ट्स होंगे ना, तो उन टेस्ट्स में हमेशा थोड़े थोड़े क्वेश्चंस तो ये जो इंपॉर्टेंट वाले चैप्टर्स हैं इनके आते ही रहेंगे, ठीक है? तो उससे ये हो जाएगा कि अब हम उस चैप्टर से कभी टच लूज ही नहीं करेंगे, ठीक है? तो बायो में हम ये चीज नहीं कर सकते, क्योंकि बायो में तो हर बार आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तो हर बार हर टेस्ट से पहले इतना रिवाइज करने का टाइम नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट फिजिक्स में तो ये चीज आराम से की जा सकती है, क्योंकि थोड़े से लिमिटेड कंसेप्ट हैं, वो जब बार बार हमारे माइंड में आते रहेंगे तो वो कहीं ना कहीं हमें याद भी रहेंगे। क्या लगता है बच्चों आपको, सही है ये? ओके, एंड मॉडर्न वाला जो पार्ट है वो एनीवेज बाकी सारे पार्ट से अनरिलेटेड भी है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी।
मतलब आपको पिछला कोई चैप्टर आता हो चाहे ना आता हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो आपका हो ही जाएगा। ठीक है, तो बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, आप ये मान के चलो। जैसे मैंने आपको बताया कि तीन क्वेश्चंस तो आपके फिजिक्स में ही आ गए, एक से दो क्वेश्चंस आपके केमिस्ट्री में भी होंगे इस पे बेस्ड, तो चार से पांच क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस हो गई इस चैप्टर की, विच इज अ वेरी वेरी बिग वेटेज। ठीक है, अच्छा बच्चों कहीं पर भी कुछ ना समझ आए प्लीज फील फ्री, चाहे चैट में लिखो चाहे अनम्यूट करके पूछ लो। ठीक है, एंड बच्चों आप सब नोट्स साथ में ही बना रहे हो ना, है ना, तो साथ में ही बनाने हैं, मतलब मतलब देयर इज नो पॉइंट कि आप पहले सिर्फ ऑफलाइन मतलब कि नोट्स पे फिर अलग से टाइम वेस्ट करो, उसको क्लास के अंदर ही कवर करो। ठीक है, हाँ जी, तो बच्चों सबको स्क्रीन दिख रही है, ओके। तो बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है ये मतलब जो आपका ट्वेल्थ में आता है एंड में, तो वो उस सीक्वेंस की क्या सिग्निफिकेंस होती है कि उसे पहले आपके चैप्टर्स आते हैं ईएम वेव्स, फिर रे ऑप्टिक्स, फिर वेव ऑप्टिक्स, उसके बाद ही आता है। तो ये हम किस सीक्वेंस में पढ़ रहे होते हैं बच्चों कि जो सबसे पहले हम ये कहते हैं कि ईएम वेव वाले चैप्टर में आपको याद होगा कि हम ये बात कंफर्म करते हैं कि भाई लाइट बिहेव्स लाइक अ वेव, कि एक्चुअली लाइट इज अ वेव, है ना। ईएम वेव मतलब वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से बनी हुई है, तो वो लाइट एक वेव है। दूसरी बात फिर हमने रे ऑप्टिक्स चैप्टर पढ़ा, उसमें हम कहते हैं कि भाई लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज में उसको सिंपल रे मान के भी काम चल जाता है, उसको वेव कंसिडर करने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर उससे अगला चैप्टर आता है वेव ऑप्टिक्स, यहां पे हम ऐसी प्रॉपर्टीज ही पढ़ते हैं इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन एटसेट्रा जो लाइट की वेव नेचर से ही प्रूव होती है। ठीक है, और फिर जो उससे अगला चैप्टर आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यह होता है कि हम लाइट के पार्टिकल नेचर की बात करते हैं। तो बच्चों लाइट एक बड़ा ही स्ट्रेंज सा फिनोमेना है जो मतलब लाइट रे की तरह भी बिहेव करती है, लाइट वेव की तरह भी बिहेव करती है, और कई जगह पे लाइट ऐसे बिहेव करती है एज इफ इट इज मेड अप ऑफ सर्टेन पार्टिकल्स। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ये एक तरह से एक्सपेरिमेंट है, एक फिनोमेना है जो बताता है कि लाइट पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर सकती है। ठीक है, ये पहले लोगों को नहीं पता था, ये साइंटिस्ट को बहुत लेटर ऑन जाके पता चला। ठीक है, सो दिस वाज समवेयर इन द ईयर अराउंड 1905। ठीक है, ये बच्चों जो याद रखना होगा वो मैं आपको बता दूंगा। तो मैं आपको बता दूंगा जब जो लिखना है, ठीक है, तो मैं आपको वैसे बता रहा हूं। तो दिस वाज समवेयर इन द ईयर 1905,
जब ये फिनोमिना का पता चला। ठीक है, अब बच्चों हम जो फिजिक्स पढ़ते हैं जिस तरीके से, हमारी इलेवेंथ वाली जो सारी फिजिक्स है वो बेसिकली वो फिजिक्स है जो न्यूटन ने बनाई थी। ठीक है, अब न्यूटन बहुत ही पुराना साइंटिस्ट है, न्यूटन साइंटिस्ट था मतलब 15th-16th century का, मतलब उतना पुराना नहीं बट मतलब काफी पुराना, कई साल मतलब हंड्रेड्स ऑफ इयर्स पुराना था। तो ये वाली जो फिजिक्स आई, मतलब ये जो हम कह रहे हैं रफली 100 साल पुरानी फिजिक्स, ठीक है, ये फिजिक्स के हिसाब से इसको हम मॉडर्न फिजिक्स ही कहते हैं, मतलब ये दिस इज रिलेटिवली न्यू, इसलिए इस चैप्टर का नाम मॉडर्न फिजिक्स है। ठीक है, तो मतलब फिजिक्स के हिसाब से ये एक रिलेटिवली नया फिनोमिना है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, इससे पहले लोगों को नहीं पता था कि ऐसा कुछ होता है, ये बाद में जाके ही पता चला हमें। ठीक है, तो ये अब लिख लो, ये सबसे पहली पॉइंट हो गया कि हमें ये पता हो कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की सिग्निफिकेंस क्या है, कि ये पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट बताता है। ठीक है, तो होता क्या है कि कुछ सिचुएशंस में लाइट ऐसे बिहेव करती है एज इफ इट इज मेड अप ऑफ सम पार्टिकल्स, और इन पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, एज फोटॉन्स। तो ये लिख लो बच्चों कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के लिए है, और ये कि अंडर सम सिचुएशंस लाइट बिहेव्स एज इफ इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, दीज पार्टिकल्स आर नोन एज फोटॉन्स। सीरत अब दिख रही है स्क्रीन? ओके, अब बच्चों ये जो पार्टिकल्स होते हैं दीज आर फोटॉन्स। ठीक है, ऑब्वियसली बच्चों हम इन पार्टिकल्स को नहीं देख सकते। ठीक है, अब इनकी बच्चों प्रॉपर्टीज क्या है फोटॉन्स की? सबसे पहले ये मासलेस पार्टिकल्स हैं। अब बच्चों आप पहली प्रॉपर्टी सोचो, जब हम इलेवेंथ की फिजिक्स पढ़ रहे होते हैं हम न्यूटन्स लॉज, तब हमें अगर ये कहा जाए कि एक पार्टिकल है जिसका मास जीरो है तो हमें कुछ समझ आएगा? वो तो बहुत ही अजीब बात लगेगी। है ना? तो ये तो आइंस्टाइन ने जो फिजिक्स बनाई
उसमें ये बात आई कि हाँ ऐसे पार्टिकल्स हो सकते हैं जिनका मास जीरो हो. इनफैक्ट बच्चों आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग तो जैसे चार्जेस में होता है ना पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग तो मास भी नेगेटिव हो सकते हैं. ठीक है, तो हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ती एनीवेज. बट व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज, मतलब ये कंफ्यूज मत होना कि ऐसा कैसे है कि पार्टिकल का मास ही ना हो. ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है इसको हम बच्चों ऐसे कहते हैं कि जीरो रेस्ट मास है. मतलब वो पार्टिकल रेस्ट पे एग्जिस्ट नहीं कर सकता, वो पार्टिकल जब मोशन में होगा वो तभी एग्जिस्ट कर सकता है. ठीक है, तो दिस इज समथिंग स्ट्रेंज. न्यूटन की फिजिक्स के हिसाब से ये नहीं समझ आएगा ये, मतलब बट ऐसा है. ठीक है, फिर बच्चों ये चार्जलेस पार्टिकल्स होते हैं, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं विद स्पीड ऑफ लाइट ओनली. इन पार्टिकल्स का बच्चों मोमेंटम होता है. अगेन दिस इज स्ट्रेंज है ना, एक तरफ तो कह रहे हैं मास नहीं है तो आपको हो गया कि फिर एमवी फॉर्मूला कैसे लगेगा. तो लेट्स अंडरस्टैंड कि एमवी फॉर्मूला था ही न्यूटन के हिसाब से, आइंस्टाइन के हिसाब से मोमेंटम का फॉर्मूला एमवी है ही नहीं. तो इसलिए यहां पे मोमेंटम हम एच बाय लैम्डा से लिखते हैं. फिर ये पार्टिकल्स बच्चों एनर्जी भी कैरी कर सकते हैं विच इज गिवन बाय ई इक्वल टू एच न्यू, जिसको वी ऑल्सो राइट एज एच सी बाय लैम्डा. ठीक है, तो वंस अगेन मतलब इन स्पाइट ऑफ हैविंग नो मास दीज पार्टिकल्स कैन हैव मोमेंटम एज वेल एज एनर्जी. ठीक है बच्चों, इसमें कोई डाउट? ओके, तो बच्चों नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि हम फोटॉन्स को कैसे रिलेट करते हैं कि एक बॉडी से कितने फोटॉन्स निकल रहे हैं. तो मान लो बच्चों एक सोर्स है जिसकी पावर पी है और वो लैम्डा वेवलेंथ की लाइट एमिट कर रहा है. ठीक है, तो बच्चों मुझे बताओ कि ट्राई करो कि उस सोर्स से पर सेकंड कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स निकल रहे होंगे. तो क्या होगा बच्चों आप सोचो,
एक फोटोन की एनर्जी क्या हुई, एच सी बाय लैम्डा, है ना। टोटल एनर्जी कितनी आनी है वो हम पावर से निकाल लेंगे, है ना। नंबर ऑफ फोटॉन्स कैसे आएंगे, सिंपल यूनिटरी मेथड, एक फोटॉन से एक सेकंड में कितनी एनर्जी आएगी बच्चों, एच सी बाय लैम्डा, है ना। तो एन फोटॉन से जो एनर्जी आई वो एन इंटू एच सी बाय लैम्डा हो गई एक सेकंड में, जो कि पी के इक्वल होनी चाहिए। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या हो गए, पी डिवाइडेड बाय एच सी बाय लैम्डा। बच्चों इस पे कोई डाउट? सर एक बार रिपीट कर दो प्लीज। हाँ देखो, एनर्जी गिवन बाय वन फोटोन in 1 second is equal to xc by lambda, so energy given by n photons in 1 second kya hogi, n into xc by lambda, correct। to ab ye total energy per second aa gayi, ye kiske equal honi chahiye, p ke। to idhar se हाँ बच्चों क्लियर हो गया, ओके। तो बच्चों बेसिकली ये रिलेशन क्या करता है, ये हमें बता देता है कि सोर्स की पावर और वेवलेंथ के हिसाब से उससे कितने फोटॉन्स निकल रहे होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं वर्क फंक्शन की। ये अभी हम कुछ प्रॉपर्टीज बना रहे हैं, ठीक है, जिसके बेसिस पे हमें अभी समझ आएगा कि भाई कैसे लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है। तो जो ये एक क्वांटिटी है जो मेटल्स के लिए हम डिफाइन करते हैं, ठीक है, जैसे मान लो ये कोई मेटल है बच्चों, ठीक है, तो मेटल के अंदर हमें पता है कि ऑब्वियसली देर आर लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज पॉजिटिव आयंस। तो बच्चों जब हम कहते हैं कि अ मेटल हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उसका क्या मतलब होता है बच्चों?
राइट। इसका क्या मतलब होता है कि वो मुझे यार मैसेज किया करो चैट में, ऐसे नहीं मजा आ रहा, या म्यूट करके जैसे भी, मैं बोल के वेट करता रहता हूँ, आप कोई कुछ बोलता ही नहीं। तो इसका मतलब बच्चों ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो बेसिकली न्यूक्लियस के अराउंड गोल नहीं घूम रहा है ना, वो शेल में नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन स्टिल मेटल का पार्ट तो है बट वो हाँ अब न्यूक्लियस के अराउंड गोल गोल नहीं घूम रहा, ठीक है। बट बच्चों क्या इसका मतलब ये है कि उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई फोर्स ही नहीं लग रही, ऑब्वियसली फोर्स तो लग ही रही होगी है ना, जो न्यूक्लियस है जो पॉजिटिव आयन्स हैं उनकी वजह से फोर्स तो लगी रही होगी, ठीक है। बस वो गोल गोल नहीं घूम रहे अब, बट फोर्स तो उन पे लग रही है। तो अब अगर अब हमें बचो एक इलेक्ट्रॉन को मेटल से बाहर निकालना है तो हमें उसको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि वो ये सारी अट्रैक्टिव फोर्सेस को ओवरकम कर ले। राइट तो ये जो एनर्जी हमें देनी पड़ती है उसको बच्चों हम कहते हैं एज वर्क फंक्शन। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ मेटल, ठीक है। यहां बच्चों हम सरफेस इसलिए कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन बहुत ही अंदर होगा, अगर कोई मोटा सा मेटल है तो वहां पे तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी हमें ऑफकोर्स। ये जो हम प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं ये सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए ही करते हैं, बच्चों ये समझ आ गया। बच्चों कोई डाउट? ओके मुझे बच्चों ये बताओ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आयनाइजेशन एनर्जी एंड वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं और आयनाइजेशन एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। हाँ यस, मतलब कि वर्क फंक्शन तो उसके बाद आएगा जब जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले एटम से तो अलग हो चुका हो है ना, वो एटम से अलग होके अब लैटिस में घूम रहा है, उसको फर्दर निकालने के लिए वर्क फंक्शन यूज होता है। राइट नहीं हरसिमरन ये बिल्कुल नहीं है ऐसा, मैंने कहीं पे बच्चों ये नहीं लिखा वर्क फंक्शन में कि ये एनर्जी लाइट से ही आएगी। एनर्जी आप बहुत तरीके से दे सकते हो, हीट करके, इलेक्ट्रिक फील्ड से एंड सो ऑन, ठीक है।
एनर्जी बहुत तरीके से दी जा सकती है, उस पर कोई चक्कर नहीं है, सिर्फ ये एनर्जी आनी चाहिए. फर्क ये है कि एनर्जी ये कब चाहिए, जब इलेक्ट्रॉन पहले ही एटम से अलग हो चुका है, राइट. आयनाइजेशन एनर्जी तो ये होती है कि जो इलेक्ट्रॉन एटम में गोल गोल घूम रहे उसको वहां न्यूक्लियस से अलग करने वाली. ठीक है, तो इसको बच्चों हम यूजुअली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में स्पेसिफाई करते हैं वर्क फंक्शन को. और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल्स. तो ये बच्चों हर मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है. तो डिफरेंट मेटल्स हैव डिफरेंट वर्क फंक्शंस. अब बच्चों ऑब्वियसली ऐसा भी है कि अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम बिल्कुल स्ट्रिक्टली बात करें तो अलग अलग एनर्जी चाहिए होंगी, है ना, डिपेंडिंग अपॉन कि वो कहां पे है. हो सकता है किसी पे कम फोर्सेस लग रही हो सकता है किसी पे ज्यादा लग रही हो, बट ये जो वैल्यू होती है ये एक तरीके से एक एवरेज वैल्यू होती है. ठीक है, क्लियर सो फार. अच्छा अब ये बताओ बच्चों कि वर्क फंक्शन तो हो गया जो उसको जस्ट निकालने के लिए एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को. मान लो हम इलेक्ट्रॉन को वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी दे दें, फिर क्या होगा? उसकी क्रैटिक एनर्जी बढ़ जाएगी. उसको निकलने के लिए तो 4 चाहिए थी लेकिन हमने 10 दे दी एनर्जी, तो क्या होगा? सर जो 6 रह जाएगी वो उसकी क्रैटिक एनर्जी में यूज हो जाएगी. तो उसको एक्स्ट्रा 6 क्रैटिक एनर्जी मिल गई, राइट. अब बच्चों एक मिनट ध्यान से सोचना, इस ऊपर वाले फिगर में ही देखते हैं हम. मान लो बच्चों इस इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए चाहिए एनर्जी 4, हमने दे दी इसको 10 एनर्जी, तो ऑब्वियसली इसको 6 एक्स्ट्रा मिल गई एनर्जी. बट बच्चों मान लो जब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे कोई भी रास्ते से बाहर आ रहा है तो जब तक वो बाहर पहुंचेगा क्या उसके पास 6 एनर्जी बचेगी? उसको इनिशियली तो 6 मिल गई बट क्या उसके पास 6 बचेगी जब तक वो बाहर निकलेगा? Why no? तो क्योंकि जब वो बच्चों ऐसा तो है नहीं कि जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है तो कोई हाईवे बाहर निकलते हुए उसकी बाकी इलेक्ट्रॉन्स के साथ या आयंस के साथ कोलिजन्स भी हो सकते हैं,
राइट. तो इस चक्कर में उसकी एनर्जी जो है वो 6 से कम भी हो सकती है. क्या ये बात समझ आती है बच्चों, है ना? बट यस, अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा होगा जिसको बाय चांस जब वो बाहर निकला उसके कोई कोलिजंस नहीं हुए, आइडियल केस, तो वो इलेक्ट्रॉन पूरे का पूरा 6 से बाहर भी निकल सकता है, है ना? तो हम इसको कैसे बोलेंगे कि इस पूरी चीज को बच्चों हम ऐसे पुट कर देते हैं, इसको हम कहते हैं आइंस्टाइन इक्वेशन. तो जैसे मैंने अभी आपको जो एग्जांपल दिया कि हमने 10 एनर्जी दी थी, उसमें से 4 एनर्जी तो वर्क फंक्शन में निकल गई, और जो 6 एनर्जी है उसको हम कहते हैं कि दैट इज द मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है ना, फॉर द केस कि जब उसके कोई कोलिजंस नहीं हुए. बच्चों मतलब मेन बात समझने वाली ये है कि हमने 6 को काइनेटिक एनर्जी नहीं लिखा, हमने 6 को काइनेटिक एनर्जी मैक्स लिखा है. क्या ये बात समझ आ रही है बच्चों? तो क्या बन गई आइंस्टाइन इक्वेशन हमारी कि E इज W प्लस के ई मैक्स, राइट? और अब ये के मैक्स क्यों बनी, क्योंकि नॉर्मली तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अलग अलग एनर्जी से बाहर आएंगे. के मैक्स होगी फॉर द आइडियल केस. तो बच्चों अगर हम एनर्जी लाइट से दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये जरूरी है, अगर हम एनर्जी लाइट से दे रहे हैं तो हम ई को एच न्यू भी लिख सकते हैं, राइट? ठीक है. तो एक बात समझो कि ऊपर वाली इक्वेशन तो जनरल है, नीचे वाली इक्वेशन है जब हम स्पेसिफिकली एनर्जी लाइट के थ्रू दे रहे हैं. तो चाहे E को H nu लिख दिया, चाहे उसको हमने HC by lambda लिख दिया. तो अब यहां बच्चों हम रीजन भी लिख लेते हैं के मैक्स का, कि नॉर्मली इलेक्ट्रॉन्स कम आउट विद डिफरेंट काइनेटिक एनर्जीज बिकॉज दे अंडरगो कोलिजंस व्हाइल कमिंग आउट. Ke max is for the ideal case when there is no collision.
हाँ जो लिख लिया बच्चों, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, उसकी फेमस थ्योरी ज्यादा रिलेटिविटी वाली है, बट उसके लिए नहीं मिला था। ओके, तो अब जो देखते हैं आगे, ये बच्चों वर्क फंक्शन से ही अगर हम मान लो एनर्जी लाइट से दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी जिसके करेस्पॉन्डिंग वो डब्ल्यू एनर्जी मिलेगी हमें, तो उस फ्रीक्वेंसी को हम बोल देते हैं एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। मतलब जो हम एनर्जी दे रहे हैं वेव से, उस वेव की कितनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। मतलब एनर्जी वही है डब्ल्यू, है ना, तो क्योंकि अब वो वेव से आ रही है तो इसलिए उसको हमने हम उस वेव की फ्रीक्वेंसी ढूंढना चाहते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, बस एनर्जी को एच न्यू लिखा था, है ना, तो एच न्यू नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू, तो न्यू नॉट बन गया डब्ल्यू अपॉन एच। बच्चों ऐसे ही हम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी डिफाइन कर सकते हैं। बस थ्रेशोल्ड में बच्चों जो फर्क आएगा वो ये आएगा कि वहां पे मिनिमम की जगह मैक्सिमम वर्ड आ गया। बताओ क्यों? क्योंकि सर जी इनवर्सली प्रोपोर्शन में। यस, बिकॉज़ यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शन में है। ठीक है, तो बस इसमें भी हमने बिल्कुल वैसे ही लिखना है, बस इसमें हम एनर्जी को एच सी बाय लैम्डा लिख देंगे इक्वल टू डब्ल्यू, तो लैम्डा नॉट बन गया बच्चों एच सी बाय डब्ल्यू। अब यहाँ पे बच्चों अगर हम वैल्यूज पुट कर दें एच सी की और डब्ल्यू को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पुट कर दें, तो हम एक सिंपल फॉर्म में इस रिजल्ट को याद रख सकते हैं कि लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम्स इज इक्वल टू 12400 अपॉन डब्ल्यू। ठीक है, और ये जो डब्ल्यू है ये बन गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में।
तो बच्चों अब हम अगर ये वर्क फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ न्यू नॉट या लैम्डा नॉट लिख दें तो वी कैन राइट इट एज एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस के ई मैक्स, है ना। बस मैंने क्या किया डब्ल्यू को लिख दिया एज एच न्यू नॉट, एंड सिमिलरली आई कैन ऑल्सो राइट इट एज एच सी बाय लैम्डा इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा नॉट प्लस के ई मैक्स। तो बच्चों इसके बेसिस पर ग्राफ प्लॉट करो, प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन के ई मैक्स वर्सेस न्यू एंड के ई मैक्स वर्सेस वन बाय लैम्डा। ध्यान से ग्राफ प्लॉट करके मुझे उसकी स्लोप और इंटरसेप्ट बताओ। मतलब बच्चों आपका वाई एक्सिस पे के ई मैक्स आना चाहिए, एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए। तो ये बच्चों इस तरीके से बन जाएगा। देखो आप इसको इस फॉर्म में लिखो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो क्या बन गया के ई मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। राइट।
तो बच्चों ये ग्राफ हम नेगेटिव में नहीं बनाते, बिकॉज ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव में तो हो नहीं सकती. हाँ बच्चों एक ग्राफ समझ आ गए, इनमें कोई डाउट प्लीज आस्क. हाँ मन मास नेगेटिव हो सकता है आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग. मुझे ग्राफ्स क्लियर हो गए सबको. ओके तो नहीं काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं होती. मतलब वो फॉर्मूला नहीं लगता ना, आप काइनेटिक एनर्जी के लिए हाफ एमवी स्क्वायर सोच रहे हो, वो फॉर्मूला ही नहीं लगेगा उन केसेस में. तो नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की. ये बेसिकली वो जो एक्सपेरिमेंट है जो कि लाइट की पार्टिकल नेचर को एस्टैब्लिश करेगा. ठीक है तो इसमें क्या हो रहा है बच्चों कि हमने देखो दो मेटल प्लेट्स ली हैं लेफ्ट और राइट पे. लेफ्ट वाली जो प्लेट है उसके ऊपर बच्चों हम लाइट इंसिडेंट करते हैं. ये लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होती है. ठीक है तो उस कारण से क्या होता है कि इस मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं. अब हमने बच्चों इसको इस तरीके से जो दूसरी वाली प्लेट है उसको हमने रख किया हुआ है पॉजिटिव साइड पॉजिटिव चार्ज्ड, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो राइट साइड वाली प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं. ठीक है तो इलेक्ट्रॉन्स की मोशन स्टार्ट हो गई फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. और उस कारण से बेसिकली इस सर्किट में एक करंट आ जाता है. ठीक है तो अगर हम लाइट W से ज्यादा एनर्जी वाली लाइट डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे. ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे और उस कारण से सर्किट के अंदर एक करंट सेटअप हो जाएगा.
ठीक है जी। एनी कंफ्यूजन बचाओ? अच्छा बच्चों, आपकी लर्निस्ट पे कोई आईडीज बताई गई हैं? ओके अच्छा, तो मतलब जो आपको मॉड्यूल्स हैं वो आप सबने मतलब लिए ले लिए, फिजिकली मॉड्यूल्स ले लिए, राइट? ऐसा है? अच्छा, वो भी नहीं लिए, तो फिर कैसे काम कर रहे हो? आपको व्हाट्सएप ग्रुप्स पे पीडीएफ भेजी गई है? ठीक है चलो, मैं वो आप करवा दूंगा काम। बेसिकली लर्नर्स पे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसपे सारा कंटेंट आपका एक ही जगह पे आपको मिल जाएगा, और आपके जो टेस्ट्स होंगे ऑनलाइन वो भी उसी पे ही होंगे। ठीक है बच्चों, अभी यहीं तक करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि इसकी क्या ऑब्जर्वेशंस थी इस एक्सपेरिमेंट की, जिसके बेसिस पे लाइट की पार्टिकल नेचर का पता चलता है। अभी तक हमने सिर्फ उसका बेसिस बनाया है, हमने कोई प्रूव नहीं किया कि हाँ भाई लाइट की पार्टिकल नेचर है। ठीक है, चलो ओके बच्चों, बाय। मैं आपको ना आपके ग्रुप पे भेजूंगा आपको क्या क्या काम करना है, वो करके लाना है आपने। ठीक है, चलो ओके बाय।